स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एवीपीएन एजुकेशन में स्वागत है। और मैं आज आप लोगों को डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न का पार्ट 9 लेकर आए हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे दशमलव भिन्न के आरोही एवं अवरोही क्रम, दशमलव भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुना और भाग के बारे में सीखेंगे। और यहाँ पे जो डेसिमल फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ होता है, वो आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ वाला जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसी में जो है बताया जाएगा। भिन्न का भी एलसीएम एचसीएफ नहीं बताए हैं, तो उसको भी जो है हम एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर में ही डील करेंगे। और आप लोग ये भी बात ध्यान दें कि जो इसे सरलीकरण से संबंधित, बोर्ड मास से संबंधित जो मैथ आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग को जो है सरलीकरण में जब बोर्ड मास के पूरे नियम बताया जाएगा उसमें जो है बता दिया जाएगा। अभी जो है हम लोग सीखेंगे, इसमें जो बताएं उसी के बारे में जो है अभी सीखेंगे और बहुत ही अच्छे तरह से जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, दशमलव भिन्न का जोड़ घटाओ। दशमलव भिन्न के जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ यहां पे देखिए, दशमलव भिन्न के जोड़ घटाओ में आप लोगों को ध्यान देना होगा कि सबसे पहले सभी दशमलव भिन्न को समान दशमलव में बदलेंगे, समान दशमलव में बदले। सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी दशमलव भिन्न को समान दशमलव में बदलेंगे। दूसरा बात याद रखिए, उसके बाद सामान्य जोड़ घटाव की तरह जोड़ तथा घटाव की तरह जोड़ते या घटाते हैं, जोड़ते या घटाते हैं, घटाते हैं। यहां पे दो नियम जो है आप याद रखेंगे कि सबसे पहले दशमलव भिन्न को समान दशमलव में बदलेंगे। यहां पे क्या करेंगे, फिर सामान्य जोड़ घटाव की तरह उसको जोड़ते हैं, घटाते हैं। अगर हम यहां पे क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.23, 3.14, 5.15 और ले लेते हैं 0.16 और ले लेते हैं यानी कि 2.18309 और इतना को जोड़े। क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो इतना जो डेसिमल फ्रैक्शन आप लोगों को नजर आ रहा है सब लोगों को जोड़ना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये तो सम भिन्न में है ही नहीं, सम दशमलव में है ही नहीं, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद दो अंक, इसमें दो अंक, इसमें दो अंक, इसमें जो है आपको 5 अंक दिख रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले समान दशमलव में बदलेंगे, यानी 5.23 को हम देखेंगे समान दशमलव में बदलकर, अधिकतम जो है 5 अंक है तो इसको भी दशमलव के बाद अधिकतम
पांच अंक जो है करेंगे, और पांच अंक करने के लिए क्या करेंगे, जीरो दे देंगे। आप देख सकते हैं दशमलव के बाद पांच अंक आ गया। अगर हम 3.15 को इसी प्रकार से करना चाहें, 3.15 और ट्रिपल जीरो, उसी प्रकार से 0.16 को हम यदि बदलना चाहें तो 0.16 और ट्रिपल जीरो इसमें भी होगा। 2.18309 इसको यदि हम बदलना चाहें, 2.18309। अब क्या करेंगे, जब ऐसा आ जाएगा उसको सामान्य जोड़ या घटाव की तरह इसको जोड़ते या घटाते हैं। यहां पे जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ेंगे, 0009 हो जाएगा, 00 तो 0, 003 तो यहां पे 3, और 35886 14 और 8 कितना हो जाएगा, यहां पे 32 हो जाएगा, यानी कि 2, और शेष यहां पे बचा कितना, रिमाइंडर जो है 2 बचा, और 2 एक 3 एक 4 एक 5, और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 5 3 8 2 10 हो गया, और इस प्रकार से यह जुट गया, और यही जो है इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। अब समझिए, अब इसको घटाते कैसे हैं, जरा इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। बाकी कितना भी जोड़ हो, कितना भी लंबा सा लंबा छोटा सा छोटा जोड़ हो, हम सबसे पहले सभी को समान दशमलव में बदलते हैं। समान दशमलव में बदलने के बाद सिंपल जो सामान्य तरह से जोड़ते या घटाते हैं उसी प्रकार से इसको जोड़ देते हैं, और यही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आप जो है इसे देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इसके घटाओ, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन हम ले ले तो यहां पे लेते हैं घटाओ क्वेश्चन नंबर 2। 25 में से 14.186 को घटाएं, इतना को घटाएं। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो है एक पूरा पूरा संख्या है, लेकिन यहां पे डेसिमल फ्रैक्शन है। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले 25 को समान दशमलव में बदलेंगे। तो समान दशमलव में जब हम बदले, सम दशमलव में बदले, तो इसको हम लिखेंगे 25.000 कितना बार लिखेंगे, अधिकतम 3 अंक है इसलिए 3 अंक लिखेंगे। यहां पे जो है 14 और 0.186, तो इसको तो हूबहू लिख देंगे 14.186। अब यहां पे माइनस करना है, घटाना है, तो 0 में से 6 गया, नहीं जाएगा, इसीलिए जब हम हासिल लेंगे 10 में से 6 गया 4, 9 बच जाएगा, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 1 गया 8, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1, इस प्रकार से आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा कितना, 10.14। ओके, तो घटाव भी जो है हम इस प्रकार से करते हैं, बहुत ही सिंपल है। खाली जो है आप इसके नियम जो है ध्यान में रखिए कि सबसे पहले सभी दशमलव भिन्न को समान दशमलव में बदलते हैं, उसके बाद सामान्य जोड़ तथा घटाव की तरह उसको जोड़ते या घटाते हैं। अब यहां पे महत्वपूर्ण बात है इसके गुणा सीखने के लिए, तो यहां पे चलिए अब दशमलव भिन्न के हम गुणा को देखते हैं और बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं। चलिए, तो यहां पे देख रहे हैं आप लोग दशमलव भिन्न के गुणा। तो दशमलव भिन्न के गुणा के लिए आप लोग को क्या याद रखना है, तो ध्यान दें,
फर्स्ट में यहां याद रखेंगे, सबसे पहले दशमलव को बिना ध्यान में रखते हुए, दशमलव को बिना ध्यान में रखते हुए गुणा करते हैं, साधारण संख्या से गुणा करते हैं, साधारण या हम ऐसा लिख देते हैं बिना ध्यान में रखते हुए गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां दूसरे नंबर में कहता है कि उसके बाद गुण्य तथा गुणकों के दशमलव बिंदु के बाद अंकों के योगफल के बराबर गुणनफल में दाईं ओर उतने ही अंक के बाद दशमलव बिंदु बैठा देते हैं। ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसको चलिए हम लोग अच्छे तरह से समझते हैं। अगर हम चार में पांच से गुणा कर रहे हैं, तो आएगा आंसर 20। इसे जो है गुणनफल बोला जाता है, गुणनफल, और इसको जो है गुण्य बोला जाता है और इसको गुणक बोला जाता है। यानी जो ऊपर वाला होता है उसको गुण्य बोलते हैं, नीचे वाला को गुणक बोलते हैं, और जो आंसर आता है उसको गुणनफल बोलते हैं। अब यहां कहता है कि उसके बाद गुण्य तथा गुणकों के दशमलव बिंदु, यानी कि जब गुणा हम कर देते हैं तब गुण्य और गुणकों के दशमलव बिंदु के बाद अंकों के योगफल के बराबर, यानी दशमलव के बाद जो है कितना अंक है, 2 अंक है कि 3 अंक है कि 4 अंक है कि 5 अंक है, उस दशमलव अंकों के योगफल के बराबर, यानी जितना भी गुण और गुणकों में दशमलव बिंदु के बाद जो वो संख्या होगा वो दोनों को हम जोड़ते हैं, योगफल करते हैं, और उसके योगफल के बराबर गुणनफल में उतने ही अंक के बाद दाईं ओर से क्या बैठाते हैं, दशमलव बैठाते हैं, दशमलव बिंदु बैठाते हैं। जैसे यहां पे चलिए समझने का यहां पे प्रयास कीजिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, 4.165 में 15 से गुणा करें इतना तथा 15 का गुणनफल बताएं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग कि हम पहला नियम में क्या सीखे हैं कि सबसे पहले दशमलव को बिना ध्यान में रखते हुए गुणा करते हैं। तो यहां पे दशमलव है, हम एक ठोप सोचेंगे भी नहीं कि इसमें कितना जो है दशमलव है, ठीक है, और डायरेक्ट हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। सॉल्यूशन इसका देखिए, 4.165 में 15 से गुना करेंगे। अब देखेंगे 5 5 25, 6 5 30 और 2 32, और 5 और 3 कितना हो गया, 8, 5 4 20, फिर 5 6 1 4, 5 हो गया, 5 2 7, 8 6 14, और 1 2 4 2 6, इतना हो गया। अब जरा थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे गुण्य, इसको क्या बोलेंगे, गुणक बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इसको आप लोग याद रखें, गुणनफल बोलेंगे, गुणनफल।
अब नियम दूसरा कहता है कि गुणे तथा गुणकों के दशमलव बिंदु, यानी इसमें आप देखेंगे कि इसमें दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक थे, तो इसमें देख रहे हैं दशमलव के बाद जो है तीन अंक थे, और इसमें दशमलव के बाद यानी गुणक में दशमलव के बाद कितने अंक थे, एक भी अंक नहीं थे। तो हम योगफल निकालेंगे, ये योगफल क्या चीज का योगफल, गुण और गुणकों के दशमलव बिंदु के बाद का योगफल, यानी थ्री, और इसमें जो है एक भी नहीं है तो जीरो, यानी थ्री आ गया। योगफल गुण और गुणकों के दशमलव बिंदु के बाद अंकों का योगफल कितना आया, थ्री, और थ्री अंक के बाद जो है गुणनफल में हम दशमलव बैठाते हैं, वही आंसर हो जाता है। अर्थात हम आंसर में लिखेंगे गुणनफल बराबर 62475, और तीन अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे दाईं ओर से, एक दो तीन, और यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ओके आई गाइज, आप लोग जो है समझ गए होंगे। अब हम जो है देखते हैं एक और क्वेश्चन, और यहाँ पे अच्छे तरह से और भी क्लियर करते हैं कि आखिर ऐसा हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर दो ले लिए, 3.089 तथा 1.213 का गुणनफल बताएं। तो यहां पे समझिए कि सबसे पहला नियम हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले दशमलव को बिना ध्यान में रखते हुए सोचेंगे भी नहीं कि दशमलव है, और उसको जो है गुना कर देते हैं। यानी सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन 3.089 और यहां पे है 1.213, इसको जो है बिना ध्यान में रखते हुए हम गुना करेंगे। करिए, 9 × 27, 8 × 24 और 2 × 26, और 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 3 × 9, 1 से गुना करना है, 9, 8, 0 और 3 हो जाएगा, 2 से गुना करना है, 9 × 2 = 18, 8 × 2 = 16, 1 = 17, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 1 से गुना करना है तो 9, 8 फिर 0 और फिर 3। अब समझते हैं, जोड़ते हैं इसको, 7, 9 × 6 = 15, 5 × 5 = 8, 8 × 16 = 2, 18 = 19 हासिल 1, 9 × 9 = 18, 8 × 18 = 25, 25 × 1 = 26 हो गया, 2 बचा, 8 × 3 = 11 और 1 = 12, 2 = 14 हो गया, ठीक है, और 1 × 6 = 7 और यहाँ पे 3 हो गया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, गुण और गुणकों के दशमलव बाद के अंकों का योगफल निकालेंगे, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक, तो 3 लिखेंगे, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक, तो 3 + 3 = 6 होगा। अब क्या करेंगे, जो गुणनफल होगा, गुणनफल, अब गुणनफल में 6 अंक के बाद यानी दाईं ओर से छठा स्थान के बाद जो है दशमलव बिंदु बैठाते हैं, तो उसको आगे लिखिए, 37, 46, 95, 7, 6 अंक पीछे से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पे आ गया, और यहां पे जैसे ही डेसिमल पॉइंट बैठाते हैं तो वही जो है इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने समझा बहुत ही अच्छे तरह से, और आप लोग भी जो है अगर बनाएंगे तो आपसे जरूर बनेगा। अब हम समझते हैं कुछ भाग है, ठीक है, यानी कि क्या इसको बोलेंगे जी, हम लोग बोलेंगे दशमलव भिन्न के भाग है। तो इसमें भी जो है हम जो फर्स्ट नियम जो देखें यह सेम ही रहता है, यानी कि यहाँ पे हम देखें कि दशमलव भिन्न के भाग है। तो पहला नियम कहता है कि सबसे पहले
दशमलव को बिना ध्यान में रखते हुए गुना करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद भाजक तथा भाज लिखते हैं आगे, भाज्य तथा भाजक के दशमलव बिंदु के बाद अंकों का अंतर, अभी क्या लेते हैं, अंकों का अंतर के बराबर भागफल में क्या हम लोग करते हैं, दाई ओर से उतने ही अंक के बाद दशमलव बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप लोग समझें, आप भाज्य और भाजक का मतलब तो समझते होंगे कि जैसे इस प्रकार से हम लोग भाग देते हैं तो इसको जो है भाज्य बोला जाता है और इसको भाजक बोला जाता है, और जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल, और जो लास्ट में कुछ शेष बच जाते हैं उसे हम शेषफल के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग समझते होंगे, नंबर सिस्टम में बताया होगा। अब जो है यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन लेकर कि आखिर हम भाग जो है देते कैसे है, तो यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 5.235 में यानी कि यहां पे ले लेते हैं हम 5 से भाग दे, एकदम सिंपल ही लिए हैं ताकि आप लोग सही तरीके से समझे। तो यहां पे सबसे फर्स्ट नियम कहता है कि सबसे पहले दशमलव को बिना ध्यान में रखते हुए इसको गुणा नहीं भाग करते हैं। ठीक है, गुणा वाला ही था तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, भाग करते हैं। ठीक है, बिना दशमलव को ध्यान में रखते हुए हम लोग भाग करते हैं तो आप लोग भाग करिए, तो 5 से 5.235 में हम भाग करेंगे, 5 1 5 कट गया, 2 3 दो अंक उतारे, यहाँ पे क्या देंगे 0, और 5 4 20 यहाँ पे हो गया, और 3 फिर यहां से फिर कितना उतारेंगे 5, तो 5 7 यहाँ 35 आ गया, और इस प्रकार से यह पूरा कट गया। तो जो भागफल होगा पहले जो है हम निकालेंगे कि इसके दशमलव बिंदु के बाद ये जो भाज है इसमें कितने अंक है। ठीक है, तो अंतर निकालते हैं, और अंतर क्या चीज का निकालते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि भाज्य और भाजक के दशमलव बिंदु के बाद अंकों का अंतर, तो वही अंतर निकालते हैं। तो इसमें दशमलव बिंदु के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव बिंदु के बाद 1 भी अंक नहीं है, तो अंतर कितना आ गया 3। अब जो भागफल होगा, भागफल बताइए आप लोग कितना भागफल हुआ, ये वाला, यानी कि 10 47। अब हम क्या करेंगे, जो 3 आया ये 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद बैठाएंगे 1 2 3, और यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, और यही जो है इस प्रश्न का क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको निकाला। और एक और जो है बहुत ही आसान देखते हैं, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 0.0025
225 और को 25 से भाग दें, तो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हम बिना दशमलव को ध्यान में रखते हुए 25 से हम भाग देंगे कितना में, तो 225। यहाँ आगे 00 है उसका कोई मतलब नहीं, भाग दीजिए तो 25 से अगर इसको काटें 25 नमा 225, यह पूरा जो है कट जाता है। अब इसमें हम अंतर निकालते हैं, अंतर तो इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें कितने अंक हैं, एक भी अंक नहीं है दशमलव के बाद, और अंतर निकाले 5 आ गया। जो अब भागफल होगा, भागफल कितना है 9। अब इसमें 5 अंक के बाद में दाईं ओर से 5 अंक के बाद में दशमलव बिंदु बैठा देते हैं, यहां एक ही अंक है और एक ही अंक होने के कारण अपने से देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 दशमलव और यहां पे 0। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। एक थोड़ा सा और लेते हैं, थोड़ा जटिल क्वेश्चन, जैसे आप लोग को अगर मिल जाए यहां पे, कुछ इस प्रकार से कि क्वेश्चन नंबर 3, 0.001728 को 0.144 से भाग दे, यहां पे समझेंगे कि जब भाग देने की बात यहां पे आ रही है, तो सबसे पहले बिना दशमलव को ध्यान में रखते हुए 144 से 1728 में हम भाग देंगे, तो यहां पे सबसे पहले एक मर्तबा लगेगा 144, दो में से चार नहीं जाएगा, 12 में से चार गया 8, 6 में से चार गया 2, यहां से फिर 8 उतार देंगे, 144 दूनी 288 होता है, और इस प्रकार से यह कट गया। अब निकालेंगे अंतर, अब अंतर देखिए इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3 अंक है, तो 6 में से 3 गया 3। अब जो इसका भागफल होगा, भागफल इसमें दाईं ओर से 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 12 यहां पे है, 3 अंक कैसे होगा, 1, 2, और यहां पे एक 0 बैठा देंगे, 3 हो जाएगा, इसके बाद दशमलव और 0, और यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 0.1012 इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। एक और आप लोग को मन में अगर सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि दशमलव के बाद ये जो भाजक है इसमें 3 अंक मान लेते हैं, 3 अंक तक जो इधर में दशमलव है, इधर में 4 अंक तक दशमलव है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको समझते हैं, यहाँ पे सही तरीके से जानते हैं। तो देखिए वैसा भी जो है आप लोग प्रश्न हम यहाँ पे ले रहे हैं और क्वेश्चन वहां पे लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 हो गया, बहुत ही आसान। जैसे 0.361 और को 0.00019 से भाग दें, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो दशमलव सोचेंगे ही नहीं कि यहाँ पे डेसिमल है, और साधारण तरह से सामान्य प्रक्रिया की तरह से हम इसको भाग करेंगे, 361 में 19 से भाग देंगे, 19 से 1 से 19 से 1 19, और 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 गया 7, और 2 में से गया 1, और यहाँ 1, तो 19 से 9 171, ठीक है, और ये पूरा जो है कट गया। अब इस प्रकार से हम देखें अंतर निकाल के,
तो इसमें दशमलव के बाद तीन अंक है और इसमें दशमलव के बाद पांच अंक है, तो तीन माइनस पांच करेंगे माइनस दो आ जाएगा। अब इसका भागफल जो होगा, भागफल अब इसको क्या करेंगे, यहां पे 19 है। पहले जितने भी हम प्रश्न देखें सभी का जो यहां पे हम अंतर निकाल रहे थे पॉजिटिव आ रहा था, प्लस में आ रहा था, लेकिन यहां पे क्या आ गया, निगेटिव आंसर आ गया। आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, जब अंतर का मान निगेटिव आ जाएगा तो जितना निगेटिव आएगा तो भागफल में हम अंक के बाद में यानी उस भागफल के बाद में उतना ही जीरो बैठा देते हैं, उसके साथ जीरो लगा देते हैं। यहां पे माइनस दो आ गया जिसके कारण यहां डबल जीरो लगा देंगे, लेकिन यह पॉजिटिव आता तो दो अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं, ठीक है, लेकिन माइनस में आ जाएगा जिसके कारण बाद में क्या लगाएंगे, डबल जीरो लगाएंगे, और 1900 ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो है भाग समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं थोड़ा सा आरोही और अवरोही क्रम। तो यहां पे ध्यान दीजिए, दशमलव भिन्न के आरोही एवं अवरोही क्रम। क्या पढ़ेंगे, आरोही एवं अवरोही, अवरोही क्रम, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पे जो है आप लोग को पिछले आप वीडियो जो है देखे होंगे तो आपको आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार कंफ्यूजन होता है, उसको कैसे जो है दूर किया जाए, इसके बारे में जो है आप लोग को बताए होंगे। फिर बता देते हैं ताकि आपको फिर से जो है ताजा हो जाए। आरोही यहां पे देख रहे हैं थ्री यहां पे अक्षर से लिखा हुआ है और अवरोही में चार अक्षर है, एक दो तीन चार। असेंडिंग अगर इंग्लिश में यदि देखें तो इसमें कितने अक्षर हैं, लेटर है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, यहां पे नौ लेटर हैं। लेकिन डिसेंडिंग में देख रहे हैं तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, यहां तीन अक्षर और यहां पे नौ अक्षर, नौ लेटर सॉरी, और यहां पे चार अक्षर और इसमें जो है कितने लेटर, दस लेटर। तो देख रहे हैं कि आरोही में जो है कम अक्षर से लिखाता है, अवरोही में ज्यादा अक्षर से लिखाता है। तो जो कम अक्षर से लिखाएगा, छोटा अक्षर से लिखाएगा, छोटे संख्या से लिखाएगा, तो छोटा से शुरुआत करेंगे और बड़ा तक जाएंगे। इसका मतलब जैसे दो चार छ आठ दस बारह चौदह, इस प्रकार से जो लिख रहे हैं तो क्या है, सबसे छोटा से धीरे 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 बड़ा की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा अक्षर और लेटर से शुरुआत हो रहा है तो बड़ा से छोटे की ओर जाएंगे, जैसे सोलह चौदह बारह दस आठ छ चार दो, इस प्रकार से जो आ रहे हैं बड़ा से छोटा की ओर आ रहे हैं, लेकिन इसमें छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं। तो जब आपको ऐसा मिले तो आप इस तरह से जो है कंफ्यूजन को वहां पे दूर कर सकते हैं कि आखिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो आज हम लोग समझेंगे थोड़ा सा दशमलव भिन्न के आरोही अवरोही क्रम को कैसे लिखते हैं, इसके बारे में जानिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3.05, 5.1, 3.231 और एक और ले लेते हैं 4.3.118 को आरोही
आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम में लिखे, क्रम में लिखे। यहां पे समझिए कि जब आरोही अवरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले जो भी डेसिमल फ्रैक्शन आप लोग को मिले उसको आप सम दशमलव में बदल लें, ठीक है। यानी लिखेंगे सम दशमलव में बदलने पर, सम दशमलव में बदलने पर, बदलने पर क्या हो जाएगा। इस सभी में देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने जो है अधिकतम डिजिट है, तो देख रहे हैं थ्री जो है, थ्री डिजिट अधिकतम है, तो सभी को जो है थ्री डिजिट बना देंगे। इसको 3.050 और इसको 5.100 और इसको बोलेंगे 3.231 और 43.118। अब यहां पर देखेंगे कि सबसे जो है पूर्णांक भाग इसको बोलते हैं, आप लोग को बताया गया होगा, आगे वाला को जो है हम लोग पूर्णांक भाग बोलते हैं और इधर वाला क्या बोलते हैं, डेसिमल भाग बोलते हैं। तो देखिए, देखेंगे पूर्णांक भाग कौन जो है बड़ा है या छोटा है उसको चिन्हेंगे। अगर हम लोग को आरोही क्रम में लिखने के लिए अगर कहा जाए आरोही क्रम, इसका मतलब छोटा से हम शुरुआत करेंगे और बड़ा की ओर जाएंगे। तो सबसे छोटा कौन है, तो इसमें थ्री थ्री जो है दो दिख रहा है, ये भी और ये भी, लेकिन ये दोनों में देखेंगे छोटा कौन है। पॉइंट के बाद देखिए इसमें 231 है और इसमें 050 है, तो ये जीरो से शुरुआत हो रहा है या टू से शुरुआत हो रहा है, छोटा तो यही है ना, तो यहां पे लिखेंगे 3.050। उसके बाद कौन हो जाएगा, एकदम आप लोग सोच रहे होंगे, सही सोच रहे होंगे, ये ही होगा 3.231 होगा। अब ये दोनों तो हो गया, अब हमें पहचानना है ये दोनों में, तो इसका पूर्णांक भाग से ही आप पहचान सकते हैं, इनमें 5 है इसमें 43 है, तो छोटा कौन है, ये है, तो 5.100। फिर उसके बाद ये होगा 43.118। अभी जब बढ़ते क्रम में गया है, छोटा से बड़ा की ओर गया है, आप ऐसे जो है संकेत दे सकते हैं, तो यह आरोही क्रम हो गया। आप अवरोही क्रम में यदि लिखना चाहें अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम समझिए, इसको जस्ट जो है उल्टा लिख देते हैं, यानी कि इसको जो है पहले लिखेंगे और फिर जो है इसको लिखेंगे 5.100, फिर इसको लिखेंगे 3.231, फिर इसको लिख देंगे 3.050। अब यहां पे समझिए, इसको कुछ हम ऐसा जो है संकेत दे देंगे, इधर वाला सबसे बड़ा और इधर वाला जो है सबसे छोटा है, तो इस प्रकार से हम जो लिखें, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया इतना।